मैहुर से पाठक। तो आज के इस वीडियो में ना मैं अगेन आ चुकी हूँ हॉस्टल वाली वीडियोस लेके, एंड ये वाली जो हॉस्टल है ना वो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये होने वाला है PW हॉस्टल। जी हाँ, PW गर्ल्स हॉस्टल का मैं रिव्यू करने गई थी कल, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आप लोग की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे DM मुझे आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कमेंट पर मुझे आ रहे थे, दीदी प्लीज़ ना मुझे PW के पास कोई गर्ल्स हॉस्टल बताइए। तो हाँ, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो हॉस्टल है ना वो है कदम कुआ में। तो आप देख सकते हो ये जो हॉस्टल है ना ये है ज्ञान गंगा के पास, एंड सामने में एक्सिस बैंक है आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड साइड में है यहाँ पे अपना ज्वेलर्स। इसी गली के अंदर में 10 कदम आप चलोगे ना तो आपको ये गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा। आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है श्रेया गर्ल्स हॉस्टल। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो ना तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई आपको डाउट्स रह जाएंगे या फिर कुछ भी आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने देखा 6 सीटेड वाला रूम, एंड रूम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी सी विंडोज़ यहाँ पे थी, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लाइट आ रही थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये रूम ना कुछ इस तरीके का था, आप देख सकते हो। हाँ तो अब देख लेते हैं 2 सीटेड वाला रूम। सो आप देख सकते हो ये रूम कुछ इस तरीके का लग रहा था देखने में, एंड बड़ी सी यहाँ पे ना आपको विंडो मिल जाती है देख सकते हो, जिससे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लाइट बाहर की आ रही थी अंदर में। ठीक है, एंड यहाँ पे जितना भी रूम था ना सब में अटैच आपको वॉशरूम मिल जाता है पर्सनल। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और ये गद्दा पिल्लो वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत लाइक नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अलमीरा वगैरह सब कुछ मिल जा रहा था, ताकि आप सामान वगैरह सब कुछ रख सको। हाँ तो थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर कूलर वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। हाँ तो ये तो थे डबल सीटेड रूम, एंड डबल सीटेड रूम भी ना मैं बहुत सारा देखी, हर एक रूम में नेचुरल लाइट आ रही थी वहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको गद्दा वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, एंड जो भी था ना वो उसको क्या बोलते हो, बेड के अंदर भी बॉक्स बना हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे भी अपना सामान आप रख सकते हो ईजिली। ठीक है, और सारे रूम में इस तरीके से आपको मिरर का वो कबर्ड सब कुछ मिल रहा था, आप देख सकते हो। एंड डबल सीटेड वाला जो रूम था ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लाइट्स फैन सब कुछ थे, पर्सनल बालकनी थी, एंड वॉशरूम जो था ना वो अटैच था। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का ना डिमांड रहता है कि मुझे ना वॉशरूम जो चाहिए ना वो एकदम अटैच चाहिए, अलग नहीं चाहिए लाइक कहीं भी। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सिंगल वाला रूम, एंड सिंगल रूम बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं था, जो भी था ना डबल ट्रिपल और वही 6th वाला था, और 6th बेड वाला जो था ना वो 2 ही था। ठीक है, वो 2 ही रूम था उस तरीके का, एंड दोनों में लड़कियाँ रह रही थी शायद, एक में, हाँ एक पूरा खाली था और एक में लड़कियाँ रह रही थी, उस तरीके का 2 ही रूम था जिसमें 6 बेड लगे हुए थे, बाकी जितना भी था ना वो डबल ट्रिपल ही था। और ये रहा 3 सीटेड वाला रूम, आप देख सकते हो रूम वगैरह ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो अब मैं दिखा देती हूँ इस हॉस्टल का जो किचन है ना वो अभी ना ये पूरे तरीके से लाइक तैयार नहीं हुआ ये हॉस्टल। ठीक है, ये ना अभी बन ही रहा है, मतलब लाइक ऐसे तैयार हो रहा है, पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किचन वगैरह अभी यहाँ पे काम चल ही रहा था, फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। हाँ एक चीज़, वहाँ की जो वार्डन थी ना वो मुझे बता रही थी कि यहाँ पे जितने भी लाइक स्टाफ्स गार्ड जो भी रहेंगे ना वो फीमेल में ही रहेगी, ताकि अच्छा रहे लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियाँ रह रही है तो कोई भी बात हो कुछ भी हो तो बता सके अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, एंड फीमेल ही बनाएगी वहाँ पर मेस का जो भी खाना है वो फीमेल ही बनाएगी। कुछ इस तरीके का ये छत है, एंड छत पर भी लाइट लगी हुई है ताकि आपको गर्मी लगे, गर्मी के सीज़न में लाइक होता नहीं है कि रूम में बहुत ही ज़्यादा उमस भर जाता है या फिर आपको गर्मी लगती है तो आपको आपका मन करता है कि छत पे जाएं, बट बहुत सारे हॉस्टल में ना छत पे जाना आना कहीं पे अलाउड नहीं रहता इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने पूछा उनसे कि कोई रिस्ट्रिक्शन भी है कि 9 बजे के बाद या फिर अंदर, जैसे कि हम लोग में है ना कि हम लोग के हॉस्टल में है ये चीज़ कि 9 बजे के बाद ना आप नहीं जा सकते हो, लाइक छत पर ताला लग जाता है, वहाँ पर आप जाके आराम से पढ़ लिख सकते हो, एंड लाइट भी यहाँ पर लगी हुई थी, एंड छत जो था ना काफ़ी ज़्यादा हवादार था। तो अब ना फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको जितना भी रूम था ना सारे रूम में अटैच आपको वॉशरूम मिल रहा था, प्लस आपको बिजली 24 आवर्स तक मिल रही थी, अगर लाइट मान के चलो कट भी जाती है ना तो आपको इन्वर्टर की सुविधा दी जाएगी, बाकी पूरे कंपाउंड में ना वाईफाई लगा हुआ था। ठीक है ना, बाकी वाटर कूलर वगैरह सब कुछ उसमें बहुत सारा प्योरीफाई वाला ये सब लगा हुआ था, वो मुझे बता रही थी ऐसा। ठीक है ना, और मैंने देखा भी बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ था,
बाकी साफ़ सफाई की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वहाँ पे। एंड हाँ, वहाँ पे मेन फूड का है, ठीक है, बहुत सारे लोग ना वेजिटेरियन रहते हैं और बहुत सारे नॉनवेज भी खाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ था। जो स्टूडेंट नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है ना, तो उनके लिए क्या होता है, और भी हॉस्टल में अगर आप नहीं खाते हो तो उसी चूल्हा पे जो बनता है वही मतलब दे दिया जाता है। बट ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे अलग अलग चूल्हा रखा गया था वेज वालों के लिए और नॉन वेज वालों के लिए। अगर कोई वेज नहीं मतलब सॉरी नॉन वेज नहीं खाता है तो उसके लिए अलग चूल्हा पे बनेगा, सारा बर्तन वगैरह जो भी था ना वो अलग अलग रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और हाँ, एक और फैसिलिटीज थी वहाँ पे, लाइक अगर आप PW कोचिंग जाते हो ना तो वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना, तो अगर किसी का मन नहीं है चलने का या फिर कुछ भी ऐसा हो तो वो ऑटो से जा सकती है। एंड ऑटो का जो चार्ज है ना वो आपको अलग से 1000 रुपये या कुछ इस तरीके से था, वहाँ पर आप जाके पूछ लेना, वो देना पड़ता आपको चार्जेस, ठीक है। और बाकी मैं खाना की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये रहा मेन्यू, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, आप देख सकते हो। एंड इसमें ना आप कुछ इंक्लूड करना चाहते हो, अगर आपको कोई हैबिट है लाइक दूध पीने की रात को आदत है तो उसके अलग चार्जेस लगेंगे, आप दे दीजिए, फिर से आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। आपको लाइक जो भी ऐड करना है अपने फूड में कि मुझे ये खाना है वो खाना है तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। तो अब ना रूम रेंट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डबल बेड वाला जो भी रूम था ना उसका रेंट क्या था, ठीक है। तो डबल बेड वाला जितना भी रूम था ना सबका चार्ज था 7000 रुपये, ठीक है, और 7000 रुपये ना वहाँ पे सेक्रेटरी चार्ज था उसी के लिए, ठीक है, और 500 रुपये फ़ी थे रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो कितना हुआ, 7, 7, 14 और 500, 14,500 रुपये एक लोग के लिए वहाँ पे चार्ज था, ठीक। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं जो भी 6th बेड वाले रूम थे ना उसका कितना रेंट है। तो उसका जो रेंट था ना 6th बेड वाले का वो था 5500 रुपये और 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है। तो 6th बेड वालों के लिए ना 6000 पड़ रहे थे पूरे। अब बात कर लेते हैं 3rd बेड की। तो जो भी 3rd बेड वाला रूम था ना उसका चार्ज था 5500 शायद या 6000 चार्ज था, ठीक है ना। आप वार्डन को कॉल करके कन्फर्म कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, मुझे ध्यान नहीं है ठीक से, ठीक है ना, 5500 या फिर 6000 था 3rd बेड वालों के लिए रेंट, ठीक है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं 1st बेड वालों के लिए। तो देखो वहाँ पे ना 1st बेड ऐसे नहीं दे रहे थे, एक दो रूम ही था, मतलब 1st बेड सॉरी 1st रूम, ठीक है ना। अगर आप पूरा रूम ही लेना चाहते हो, किसी किसी को होता है ना कि मुझे रूममेट में या फिर पार्टनर में मुझे रहना ही नहीं है, मुझे ऐसे 1st में रहना है, शांति से पढ़ाई करनी है, तो वैसे तो नहीं था वहाँ पे, दो या तीन रूम था 1st। वो लोग बोल रहे थे कि ऐसे हम लोग नहीं लगाते हैं पूरा पर्सनल रूम एक, ठीक है। बट अगर आप लेना चाहते हो तो उसका चार्ज जो था रेंट था 1st रूम का वो था 12000 रुपये पर मंथ। हाँ, तो यही था हॉस्टल, आप देख सकते हो। एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी आपके मन में डाउट्स हो या फिर कुछ भी ऐसा हो ना, कुछ दिक्कत हो, तो आप मुझे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा जो यूज़र आईडी है ना वो है रचना5055। कोई भी डाउट्स हो आराम से आप मुझे DM करना, मैं सारे DM का रिप्लाई करती हूँ। हाँ, तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।